हम लोग जितना कम्मा करते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ छाप देता है, तो आजकल तो हम बोलना ही नहीं कुछ चाहते। तो आप लोग यहां पर मौजूद हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इतना काम किया गया है, इतना काम हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए ना कितना ज्यादा हो रहा है, अकल कितने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्तियां मिलने जा रही है। आप जब 50,000 देश भर में करते हैं तो आप लोग कितना छापते हैं, 2 दिन 3 दिन 50,000 का करेंगे तो खूब छपेगा। और कल हम लोग 1,20,000 कर रहे हैं तो उन्हें ना छपेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे अंड बंड बोलता है सब, उस अब तो आप छाप देते हैं, हम बोलते हैं तो छापते ही नहीं है। वो मात्र 50,000 नौकरी देगा तो आप छाप देंगे, हम 1,00,000 नौकरी दे रहे हैं तो आप छापते ही नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव बनाया गया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने मीडिया के ऊपर जोरदार हमला बोला है और पत्रकारों के ऊपर भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नीतीश कुमार ने मीडिया को कहा है कि आप उन लोगों की बात को छापते हैं, हमारे बतवा को छापते ही नहीं है। अरे छापिए नहीं तो कम से कम मोबाइलवा पे तो चला दीजिए, आप मोबाइलों पे भी नहीं चलाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मंत्री लोगों को भी सलाह दे दिया और कहा कि मंत्री लोग आप लोग को भी कहते हैं कि आप जब कोई काम हो तो कहिए राज्य सरकार ने काम किया है, हमने काम किया है, ये मत कहिए। आपने कभी देखा है कि नीतीश कुमार ने कभी किसी चीज का क्रेडिट लिया है? हम कहते हैं राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने काम किया है, तो आप भी कहिए राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने काम किया है, ना कि हमने काम किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि मीडिया हमारा बात नहीं सुनता है, इसीलिए हम हाथ जोड़ दिए लेते हैं और हम अब कुछ कहते ही नहीं हैं, हम कहने से ही बचते हैं क्योंकि हम कुछ कहेंगे आप कुछ और छापेंगे। एक बार फिर से मीडिया के ऊपर किस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है वो सुन। खाली बिल्डिंग में ही नहीं, हर जगह करवा देना है, और दूसरी जगह है कि प्राइवेट लोगों को भी आग्रह करना है और उनको जो भी सहयोग देना होगा हम लोग देंगे, ताकि हमेशा ऊर्जा का काम। आ देखा भाई, हमारा आइडिया है तो ये सब बतवा तो छापे नहीं करिएगा, आई तो छपेगा। अंड बंड जो करते रहता है कि यही करते हैं खाली, वो कौन काम किया का? हम लोग जितना कम्मा करते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ छाप देता है, तो आजकल तो हम बोलना ही नहीं कुछ चाहते। तो आप लोग यहां पर मौजूद हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इतना काम किया गया है, इतना काम हम लोग कर रहे हैं। अब बताइए ना कितना ज्यादा हो रहा है, अकल कितने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्तियां मिलने जा रही है। आप जब 50,000 देश भर में करते हैं तो आप लोग कितना छापते हैं, 2 दिन 3 दिन 50,000 का करेंगे तो खूब छपेगा। और कल हम लोग 1,20,000 कर रहे हैं तो उन्हें ना छपेगा, कितना लोगों को मिल गया तो जानवे करिएगा। खाली बिहार में कितना काम हो रहा वो तो छपना नहीं है, और उल्टा पुल्टा इधर उधर सबको कर देता है। अगर वो खाली हम लोग जो काम करते हैं उसको नहीं, अब बाकी सब पटिया को दे देता है कि अंड बंड कुछ अपने मन से छापते रहो। तो जितना पटिया है अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर दिए, तब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए राज्य सरकार। हम क्रेडिट लेते हैं कि हम किए, आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट लेते हैं जी, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो उसी तरह से आजकल यही हो गया, अब मीडिया में वो हमको छोड़ करके बाकी सबको जगह मिल रहा। पहले तो खूब छापते थे आप लोग, अब आजकल बिल्कुल नीचे कर दिया। तो ठीक है, कितना नीचे कर दिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को हम कह देते हैं, खाली जरा जान लीजिए। लेकिन हम जितने हैं अहम पत्र सबके आपके पक्ष में रह जी, तो केंद्र सरकार तो जबरदस्ती है ना कब्जा कर लिया है अपना प्रचार, आप लोगों की बतवा को खत्म करता है। तो उनसे मुक्ति मिले तब आप लोगों को अधिकार रहेगा, आप जो उचित समझिएगा करिएगा, तो हम आपके तो हितैषी हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम लोगों का जो भी कम्मा है उस काम को अपने तरफ से दीजिए, आपको तो मना करेगा इसको मत छापो, नहीं छपेगा।
तो ट्वीट कर दीजिएगा आप अपना अपना, तो ट्वीट कर दीजिएगा तो कम से कम हो जाएगा। तो कुछ तो करिए आजकल, आजकल तो सब ट्विटर देखता है, जाते एक एक घर वाला देखते रहता है तो उसी को देखेगा, तो यही हम कहेंगे। लेकिन अब जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है, इस सब काम को कर लीजिए और जितना भी ज्यादा है कि तेजी से काम पूरा कर लीजिए। और जो हमने बता दिया कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाला काम, तो आप खड़ा होके मानिए लिए हैं, मेरा तो आग्रह यही कहना था लास्ट में, ये 2024 तक कर दीजिए, हम पहले ही कह दिए, इस काम को पूरा कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को, आप सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं इंजीनियर से लेकर के अधिकारी, आप सब है काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और सबको ठीक ढंग से बिजली की आपूर्ति हो रही है, इसका पूरे तौर पर ध्यान देते रहिए। और माननीय मंत्री हैं, इनको तो देखना ही है, आई तो देखते ही रहते हैं पूरे तौर पर, इनका और काम है, सब एक काम करते ही रहते हैं, तो ये तो सब काम करेंगे, हम पहले ही कही दिए। और अधिकारी को भी हमने तो कही दिया है कि बहुत तेजी से इस काम को करते रहिए, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, आपने आज के अवसर पर मुझको बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, और आपका जो काम है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, और मेरे बात को भी स्वीकार कर लीजिए।